मुरादाबाद में आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारी कार्यालय के आगे डीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में लिखा गया है कि श्री राम मंदिर में खरीदी गई जमीन के नाम पर कथित घोटाले के आरोप को लेकर धरना दिया है। कांग्रेसियों को कहना है कि अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर कमेटी के सभी खाते सीज कर दिए जाएं, जब तक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश पूरे मामले की जांच नहीं कर लेते। आज मुरादाबाद कांग्रेस नेता विनोद गुम्मन ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ जिला अधिकारी कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम पर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेता विनोद गुम्मन ने बताया, मैं जो हिंदू रहते हैं उनके शरीर पर ऐसा एक घाव, ऐसा एक चोट दी है भारतीय जनता पार्टी ने। वहाँ के संयोग जितने भी वहाँ के कमेटी के सदस्य हैं, कोई ऐसा हिंदू नहीं है हिंदुस्तान के अंदर जिसने अपनी जेब से कुछ ना कुछ निकाल कर उस चंदे में जरूर दिया। हर भाई की इच्छा थी भव्य मंदिर बने, लेकिन ये इच्छा कोई नहीं करता कि हमारे चंद, हमारे पैसों के से दिया हुआ चंदा ये उसकी अयाशी करें और उसको अपने जेबों में डालकर और माफिया गिरदी करें। आपने देखा होगा, ये बड़े शर्म की बात है, पूरे हिंदुस्तान के संत श्री महंत शंकराचार्य, श्री सरस्वती स्वरूपानंद जी ने इसका विरोध किया। जब संत इसका विरोध कर रहे हैं, हम तो एक छोटे से बच्चे हैं, उनके इसकी जांच होनी चाहिए। श्री राम मंदिर के नाम से इतनी बड़ी लूट, अयोध्या मंदिर के नाम से इतनी बड़ी लूट, डूब के मर जाना चाहिए जिन्होंने ये कमेटी बनाई है। इसकी जांच सीबीआई के द्वारा होनी चाहिए, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा होनी चाहिए। अगर ये जांच नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि जिनके हाथों में ये मंदिर की देख रेख है, पता नहीं कितने लाख करोड़ रुपए इन्होंने डकारे होंगे। ये तो एक छोटा सा सबूत है, इसकी जांच नहीं होगी, कांग्रेस पार्टी नहीं पूरे हिंदुस्तान का हिंदू सड़कों पर मिलेगा। और हर भाई का इसके अंदर योगदान है। इन्होंने अभी कुछ दिन पहले गली गली में पहुंचकर जय श्री राम के नारे लगाए, चंदे की रसीद अपने आगे रख दी। कोई ऐसा हिंदू नहीं होगा जिसने अपने घर से निकलकर, जिसकी माँ ने, बहन ने, किसी ने सोना दिया, किसी ने जेवरात दिए, किसी ने पहनी ही अंगूठी तक दे दी, पैसे दे दिए, वो पैसे हमारे कहाँ गए? हम लोगों ने ये सोचा था कि मंदिर भव्य बनेगा, स्वर्ण से निर्मित बनेगा, चांदी से निर्मित बनेगा। जब संयोजक ही इसको खा रहे हैं, और मांग है हमारी कांग्रेस पार्टी की, जब तक इसकी जांच ना हो, इसके जितने भी संयोजक हैं जैसे चंपत राय जी और चार लोग और हैं, उनको तुरंत तत्काल पद से हटा दिया जाए।